6 अगस्त 1945 की सुबह ठीक 8:15 बजे अमेरिकी बम वर्षक विमान एलोना गे ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद लिटिल बॉय फट गया। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया। 70,000 लोग चंद मिनटों में मारे गए। इनमें से कुछ लोग तो जहां थे वहीं भाप बन गए। ये सिर्फ एक परमाणु बम की भयावहता का मंजर है। भारत के पास इससे कई बड़ी क्षमता के 164 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल का फैसला एक पॉलिटिकल काउंसिल लेती है। इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हथियारों की कमांड का एक्सक्लूसिव राइट होता है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दिसंबर 1948 में संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद की शक्तियों पर बहस चल रही थी कि किसे अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। 27 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा, जबकि प्रशासन का पूरा नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास होगा। अंबेडकर ने कहा कि संविधान में प्रधानमंत्री का कद अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है और राष्ट्रपति केवल एक प्रतीकात्मक मुखिया होगा। संविधान सभा के सदस्यों को संदेह था कि अगर राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए तो वह निरंकुश सम्राट बन सकता है और मनमानी कर सकता है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री की कुछ प्रैक्टिकल पावर्स, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री का पद कितना ताकतवर होता है। 25 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी एक सफदरगंज रोड स्थित अपने आवास पर खुफिया रिपोर्टों के ढेर के सामने बैठी थी। उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय भी थे। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद इंदिरा गांधी ने कहा, देश में अव्यवस्था फैल गई है, हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। संवैधानिक स्थिति समझने के बाद सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा, आप आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। इंदिरा गांधी ने शाम करीब 5 बजे राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी और 6 जून 1975 को सुबह 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राष्ट्रपति ने इंदिरा की सिफारिश पर देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा पल था जब प्रधानमंत्री ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देश में इमरजेंसी लगा दी। हालांकि इसके पहले और बाद में भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने कभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर नियंत्रण अपने हाथ में लिया, तो कभी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। दरअसल भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारत में सभी पावर्स प्रधानमंत्री के पास होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य का, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान के आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री की सलाह की कोर्ट में जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। आर्टिकल 78 के मुताबिक प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 85 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से परामर्श करके संसद का सत्र बुलाने और भंग करने की पावर होती है। आर्टिकल 88 के तहत प्रधानमंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को भारत की संचित निधि खर्च करने का अधिकार है। देश को टैक्स, राजस्व, कर्ज समेत अलग अलग कई तरीकों से आमदनी देनी होती है। ये सारी कमाई एक साझा कोष में जमा हो जाती है। इसे देश की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड्स कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(1) में है। संसद देश की संचित निधि की मालिक है। इसमें से एक भी पैसा निकालने के लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के पास कई शक्तियां होती हैं, जैसे कैबिनेट के मंत्रियों को चुनने, उनके विभागों के बंटवारे और बर्खास्त करने तक की भी ताकत प्रधानमंत्री के पास है। इसके अलावा नीति आयोग से लेकर कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी का प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होता है। वो राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री को संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स में देश का नेतृत्व करता है। वो एक तरह से देश का एम्बेसडर और राष्ट्रपति का चीफ एडवाइजर होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर से लेकर सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।